जोए, हावी, तुम लोग तैयार हो? आ रहे हैं। सेरा, पिकनिक हैम्पर ले लिया ना? हाँ, ले लिया। ओके, तो फिर चलो। क्या ख्याल है? अच्छी जगह है। ठीक है, तो फिर यहीं बैठते हैं। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार हम कब पिकनिक पर गए थे। पर मुझे याद है, तुम लोग बहुत बार पिकनिक पर जाते थे। तुम लोग और तुम कहाँ होते थे? साइंस फेयर, रॉक कलेक्टिंग, हाइकिंग, मैपिंग या मेरे साथ होते थे? वेल, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वेल, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो नदी के पास होकर आते हैं। ओके। ये। और वो चले गए बिना बताए, और बास्केट्स और बॉक्सेस में इतना सारा खाना भर के गए हैं और पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं। पर वो लोग कहाँ गए हैं? कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर गए हैं। वो लोग बाहर जाकर जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे क्या? एग्जैक्टली। हमें भी ट्राई करना चाहिए। क्या पिकनिक? पर हम तो रोज बाहर बैठकर खाना खाते हैं। और हम कभी शहर से बाहर नहीं जाते हैं। शहर से बाहर? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आज तक हम शहर के बाहर कभी गए ही नहीं, तो आज हम जाकर देख सकते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ और हम भी बाहर जाकर मजे करेंगे। अब चलो भी। ओके, ठीक है ठीक है। थैंक यू, बहुत ज्यादा सुंदर है। लासी, गुदगुदी मत करो। हेलो, क्या आप रेंजर हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हमें चट्टानी ढलान पर एक हिरन फंसा हुआ मिला है। ओके, चलो चलकर देखते हैं। मैंने उसे चिल्लाते हुए और रोते हुए सुना है, पर लगता नहीं कि उसे चोट लगी है। उसे लगी नहीं है, वो सिर्फ फंस गया है। शायद हमें नीचे जाकर उसे बाहर निकालना होगा। हनी, तुम्हारे ट्रक के पीछे वो रस्सी पड़ी है ना? हाँ, मैंने रखी है। ओह, शायद यहाँ किसी पेड़ के नीचे दो रेंजर सर्च और रेस्क्यू क्लासेस। और आपको लगता है वो मदद करेंगे? वो रेंजर्स है, उन्हें इस तरह के काम करने की आदत होती है। तो मैं ट्रक से अपना वॉकी टॉकी लेकर आता हूँ, एक कॉल करूंगा और वो आ जाएंगे, फिर हम अपनी पिकनिक पर वापस आएंगे। अमेजिंग, क्या सच में ये इतना आसान है? बिल्कुल। ओके। ओके, तो देखते हैं। मैं सैंडविचेस लाई हूँ। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, मैं बस इसे अपने साथ रख रहा हूँ फॉर सेफ्टी, तो खाना खा लेते हैं। हेलो। हेलो, क्या आपको पता है वो ट्रेनिंग देने वाले रेंजर्स कहाँ चले गए? मैंने उन्हें नजदीक में फंसे हुए मूज को निकालने के लिए भेजा है, मैं उनका बॉस। आपने रेंजर्स का यूनिफॉर्म तो नहीं पहना है? हाँ, क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने शहर के पास वाले पहाड़ पर कुछ क्लाइंबर्स को चढ़ते हुए देखा था। हमें लगता है कि वो फंस गए थे। ओके, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। डोंट वरी, हम संभाल लेंगे।
क्या तुम भी हमारे साथ चल रही हो? बिल्कुल चल रही हूँ। ठीक है, मैं भी अपने बायनोक्यू। हे, स्मार्ट है ना? ये चढ़ाई तो काफी मुश्किल लगती है। डैड, आपको ये देखना चाहिए। हाँ, चढ़ाई तो काफी मुश्किल है। तुम वहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। मुझे अभी निकलना। तुम्हें मदद की जरूरत होगी। ओके पार्टनर्स। और हार्वी और लैसी। इन्हें निकालने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गियर ले आओ। उस तरफ से एक रास्ता है जो समिट तक जाता है। काम शुरू करो। तुम लोग ये करना चाहते हो क्या? पर इस बार रिहर्सल नहीं मिलेगी। डैड, आप तो ये काम हजार बार कर चुके हैं। अब चलिए। ओके, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। पिकनिक का यही मतलब है। लासी और पार्कर्स की तरह हम लोगों को भी ये सारा खाना पैक करके बाहर ले जाना पड़ेगा। इतना सारा खाना हम पैक करेंगे कैसे? बैकपैक्स की मदद से। सारा खाना हम उसमें भर कर ले जाएंगे। या फिर हम शायद थोड़ा सा खाना यहीं पर खा लेते हैं और फिर बचा हुआ ले जाएंगे। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खाना यहीं पर खा लेते हैं। बस थोड़ा सा। मेरा दोस्त स्लिप हो गया और उसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। हम लोग घंटों से यहाँ पर हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। जोई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ डैड। सब ठीक तो है? हम ठीक हैं डैड, पर ये लोग बहुत थक चुके हैं। उन्हें नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है। बस थोड़ा सा और। थैंक्स। क्या आप एक रेंजर हैं? तुम्हें कोई शक है क्या? रेंजर्स कभी बच्चों और कुत्तों के साथ काम नहीं करते। हाँ, इस बात में मैं खुश नसीब हूँ। तो चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, हम ठीक हैं। थैंक यू सो मच। तुम लोग वापस जा सकते हो। मैं और मॉम इन लोगों को सामान के साथ छोड़कर आते हैं। हम पक्का जाएं? हम यहाँ रुक सकते हैं? नहीं, हम संभाल लेंगे। तुम लोग जाओ, बस हमारे लिए थोड़ा सा केक छोड़ देना। केक भी है?
हाँ, कल ही मॉम ने बनाया था जब तुम बाहर गए थे। चले गए। तुमने केक झुका। आसान नहीं है। जोई, मेरे लिए रुको। सब कुछ पैक हो गया। तुम दोनों पक्का ठीक हो ना? हम ठीक हैं। जब रॉजर ने बताया कि हम यहाँ पे फंसे हैं, तब उसने कहा कि वो कहाँ जा रहा है। एक मिनट, ये रॉजर कौन है? हमें तो सर्च एंड रेस्क्यू क्लास में जाते हुए कुछ बच्चों ने बताया था। हम किसी रॉजर नाम के आदमी से नहीं मिले। पर उसने तो कहा था कि वो रेंजर को लेकर हमारे पास वापस आ जाएगा। डोंट वरी, मैं इस एरिया के कुछ रेंजर्स को जानता हूँ। हम जाकर उसे ढूंढते हैं। थोड़ी देर रुको, मैं थक गया हूँ। रुको, लैसी कहाँ है? लैसी! अब वो कहाँ चली गई? लैसी! हाँ, वो वहाँ है। हाँ, शायद उसे कुछ मिला है। क्या है वहाँ पर? वहाँ पर कोई फंसा हुआ है। हेलो, तुम ठीक हो ना? पता नहीं, शायद मेरा एंकल टूट गया है। मेरे दोस्तों की मदद कीजिए। क्या वो लोग भी तुम्हारे साथ हैं? नहीं, वो लोग पहाड़ी पर फंस गए हैं। ओह, डोंट वरी, हमने उन्हें बचा लिया। सच में? हाँ, वो सेफ है। ओह ग्रेट, तो फिर शायद अब मुझे भी मदद की जरूरत है। रस्सी की मदद से भी हम टूटे हुए एंकल के साथ इन्हें उठाकर नहीं ला पाएंगे। मैं नीचे जाकर देखती हूँ, ज्यादा नीचे नहीं हुआ तो हम उसे हेलीकॉप्टर से ले जा सकते हैं। सर्वाइवल किट लेकर जाओ। इनके दोस्तों को इनके बारे में कैसे बताएंगे हम? हम नहीं, लैसी बताएगी। लैसी सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें मॉम और डैड से जाकर मिलना होगा। ओके? डोंट वरी गर्ल, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुमने पहले भी मुझे ये करते हुए देखा है, मैं जानती हूँ क्या करना है। अब जाओ, हमें डैड की वॉकी टॉकी चाहिए। अब तुम्हें सब करना पड़ेगा बेथ। किसे पता था आज ये सब होगा? आई नो, आज तक की ये मेरी सबसे बेस्ट या फिर सबसे वर्स्ट पिकनिक है। सच में, एक बार ये काम खत्म हो जाए उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। मुझे थोड़ा और नीचे जाने दो। होप तुम कर लोगी, इससे ज्यादा और नीचे नहीं जा पाओगी। छोड़ रहा हूँ। हाय, तुम्हारा एंकल कैसा है? मैं उस पर वजन नहीं डाल पा रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें ये पट्टी लगा देती हूँ, फिर मैं तुम्हें नीचे से पकड़ लूंगी। मुझे तुम्हारा बेल्ट दो।
कैसी पिकनिक थी है? मुझे नहीं पता, अब तक तो सब कुछ ठीक रहा है। वैसे पता नहीं आगे क्या होगा। डैड के आने के बाद मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगी। हार्वी, तुम चौकन्ने रहना, ठीक है? ठीक है जोई, समझ गया मैं। वहां का काम खत्म हो गया ना? हाँ। अच्छा हुआ, मैं बस अभी सैंडविच खाने ही वाला था। आ? जोई, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, जोई आ रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हार्वी, तुम खींच सकते हो? बचाओ हार्वी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो वहाँ ऊपर। हाँ? कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तुमने कहा था कि कुछ और भी हो सकता है। फिर से ऐसा कहो तो मुझे डांट देना। ओके, पर अब इसका क्या करें? मुझे नहीं पता जोई। ठीक हो बच्चों? हम ठीक है। ओ लैसी, तुम हमेशा मेरी मदद के लिए पहुंच जाती हो। हमें कोई मिला है, वो उन दो क्लाइंबर्स का दोस्त है। क्या वो ठीक है? हेलो, उसका एंकल टूट गया है, मैंने पट्टी लगा दी है, अभी वो ठीक है। हमें लगा था कि आप शायद हेलीकॉप्टर बुलाएंगे। हाँ, वहाँ नीचे चौपर रखने के लिए जगह बनाई है, अच्छा काम किया तुम। थैंक्स डैड। मुझे बोलने से भी डर लग रहा है। क्या बोलने में? जब भी कोई पिकनिक कहता है तब कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। तो कुछ मत कहिए, सीधा वहीं चलते हैं।
इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, काफी सुंदर है, क्या कहते हो तुम लोग? इससे अच्छी जगह कभी देखी है तुमने? एक बात बताऊं, मुझे तो यहीं पर मजा आता है। बाय। वैसे आज का छुट्टी का दिन इतना बुरा भी नहीं गुजरा है। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी। और मुझे आज अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी ड्यूटी करने का मौका मिल गया। मतलब सभी का दिन अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा। संभल कर जोई, उसे धीरे से रखो। और ये मैंने रख दिया। फुल मार्क्स जोई। बिल्कुल फुल मार्क्स। अब बताओ पेट आउट कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। मैं भी। पहले मैं इसे वापस रख दूं। ओके, इसे पीछे स्टोर रूम में रख दो। एक पीस हावी के लिए, एक पीस जोई के लिए और एक पीस लासी का। मिसेस ली, वैसे इस बॉक्स में क्या है? खुद ही देख लो। ओ माय माय, इसे ट्राई करो हावी, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये मेरे पुराने फ्रेंड की है, उसका नाम था डेन माउंटेन। डेन माउंटेन की है? सच में? सुना है वो खुद गन पाउडर बनाता था और उसने घाटी में पहला पावर प्लांट बनाया। डेन माउंटेन मतलब वो खजाने वाला डेन माउंटेन? अरे वो तो सिर्फ एक कहानी है। हाँ होगी, पर कुछ कहानियाँ सच भी होती है, मतलब वहाँ कहीं पर हीरो का खजाना होगा। डेन का खजाना तो ये है, उसके पास जो भी था सब इसमें है। सच में? मैंने डेन से उस खजाने के बारे में पूछा था, तभी उसने मुझे ये बॉक्स दिया था। डेन कहता था कि अगर खजाना ढूंढना है तो यहाँ पर ढूंढना। मतलब अपने दिमाग में ढूंढे? ए, देखो इस हैट में मुझे कुछ मिला है। मेरे दादा अपने कपड़े फिट करने के लिए ऐसा किया करते थे। वैसे डेन का सर बहुत बड़ा था। तो हैट में पेपर डालने की क्या जरूरत? मेरे ख्याल से एक सीक्रेट छिपाने के लिए। ये तो मैप है। क्या है आखिर वो? तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। बताओ निक, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे बहुत ठंडा है, आजकल यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं ना। जल्दी से मैप छिपा लो, ये आदमी गड़बड़ है। क्या तुम्हें वो खरीदना है? रहने दो, अगली बार देख लूंगा। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? लैश अंदर है। बेफ।
क्या बात है? क्या चल रहा है? बच्चों को मिसेस ली की स्टोर में ट्रेजर मैप मिला है। ट्रेजर स्टोर में? नहीं, सिर्फ मैप छिपे खजाने का। ओके, बाय मिसेस ली। अगर कुछ मिलता है तो आपको बताएंगे। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना। मुझे जाना होगा बिफ, बाद में मिलते हैं। लेसी, कम ऑन। क्या बात कर रहे हो? मिसेस ली के स्टोर में खजाना छिपा है? हाँ, लेसी ने तो यही कहा। वाओ, बहुत लकी है कि उनके पास ये ट्रेजर है, तभी तो वो इतना खुश रहती हैं। तुझे लगता है कि वो हमारे साथ ट्रेजर शेयर करेंगी? कोई खजाना शेयर नहीं करता, रख लेता है। दुनियादारी है ये। अच्छा बताओ, कौन चाहता है ट्रेजर उसे मिले? मैं। क्या हुआ लेसी? मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मैप कैसे फॉलो करना है? यहाँ आसपास कोई तो क्लू होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि डेन माउंटेन सबको फंसा रहा है। जरा उस शेप को तो देखो जोई, कितना कूल है ना। एक सेकेंड रुको। कम ऑन लेसी, चलते हैं। ये मिसेस ली के लिए। फोटो छोड़ो, हम उनके लिए खजाना ले जाएंगे। जोई रुको, हरी अप लेसी, कम ऑन। ये भाग जा यहाँ से स्टूपिड डॉग, निक तुझसे होशियार है। अजीब है। अजीब बात है। जल्दी आओ। ओके, बता तूने खजाना कहाँ पे देखा था? अरे हाँ, लेसी ने बोला था खजाना छिपा हुआ है। क्या यानी तुझे पता नहीं कि वो कहाँ है? तू भी ना यार एकदम। अब छिपा है तो फिर? एक्चुअली तुझे छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? पता है यार, वो तो बस ट्रेजर शब्द सुनते ही बाकी सारी पते पुफ हो जाती हैं। ये यहाँ पर है, मुझे लगा ही था। देखो बिल्कुल साफ है, लोग ट्रेजर ऐसी जगह छिपाते हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ताकि कोई वहाँ पहुँच न सके। मतलब ट्रेजर यहीं पर है, ठीक वहाँ पर। वो तो सिर्फ मटर की कैंस हैं। अरे ट्रेजर उसके अंदर है, छिपाया है ना। तो उसे हम उतारेंगे कैसे? इजी, ऑपरेशन सीढ़ी स्टार्ट। तो इसमें तो कुछ ट्रेल्स हैं, पर ये तो टेढ़ी मेढ़ी है। पिक्चर है या निशान है? इसका मतलब ये कोई ट्रेल नहीं है, ये तो एक पेड़ है, ब्रिसल कोन पाइन। तो कौन है बेस्ट? ओके, लासी बेस्ट है। हाँ, वो देखो, वो क्या है? ये तो कोई रिबन जैसा लग रहा है। थैंक यू बेबी, यू आर द बेस्ट।
संभल कर जोई। एक मिनट, यहाँ तो एक और क्लू है। क्या है वो? वाटर लिलीज। वाटर लिलीज। हार्वी, बीवर्स को वाटर लिलीज अच्छी लगती है? हाँ, बीवर्स को वाटर लिलीज बहुत पसंद है, पर क्यों? क्योंकि वो बीवर झील है। कम ऑन, हम ट्रैपर्स पॉइंट जाएंगे। ट्रैपर्स पॉइंट, परफेक्ट। तो अब हम कहाँ ढूंढेंगे? कोई तो क्लू जरूर होगा। हम नीचे चलते हैं। रुको, पहले मैप को देख लेते हैं। मैप पर जैसा है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, पर आसपास में जरूर कुछ होगा। यहाँ पर कुछ है हार्वी। क्या है जोई? बॉक्स है। इसमें एक क्लू है। ओह कूल। अब और आगे कहाँ जाना है? ये पहाड़ जैसा लग रहा है। उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाना होगा। हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही है। ये कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। अब समझ में आया हार्वी, ये वो वॉटरफॉल है। इंटरेस्टिंग। चोरी करोगे? चलो भागो, बदतमीज। तेरे शैतान, अभी मजा चखाती हूँ। मटर की कैन? सीरियसली, सभी पागल है। क्या मैप में तो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस का इशारा दूसरी तरफ है, पर कोई दूसरी साइड नहीं दिख रही है। लैसी, लैसी, अब लैसी कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। हाँ।
वो तो वॉटरफॉल के पीछे है। Come on! क्या वहाँ जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक होगा। जोई, जोई, तुम ठीक हो ना? ओ, वाओ! लासी, तुम्हें पता है तुम सचमुच कमाल की हो। Let's go! Come on! यहाँ पर कुछ है। तुम ये पहन लो गर्ल। हाँ, यहाँ पर पक्का कुछ है। हाँ जोई, यहाँ पर पक्का कुछ होगा। तुमने सही कहा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। टेन माउंटेन का ट्रेजर इस दरवाजे के पीछे जरूर होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जोई रुको। पर क्यों रुकूं? यही तो है। जरा सोच कर देखो, मैप जैसा नहीं है, वॉटरफॉल, डैन की हैट, ये सब जैसे लगते हैं वैसे है नहीं, तो दरवाजा भी दरवाजे जैसा नहीं होगा। नहीं, यही है। और अब वो मेरा है। निक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रेजर तक मुझे ले आने के लिए थैंक्स तो बनता है ना? मैं अपना ट्रेजर देखूं तो। रुक जाओ। रुको जोई। हार्वी, नहीं, ये हमारा है। नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। खुल जा सिम सिम। तुमने सही कहा था। नीचे कैसा लग रहा है? हड्डियाँ टूटी तो नहीं? मुझे यहाँ से निकालो। नहीं टूटी। ये यहीं पर ठीक है। यहीं रहना, हम जल्दी आएंगे। अब ये दरवाजा दरवाजा नहीं है, तो आगे क्या? चलो मैप में देखते हैं। वहां पर लासी। वाओ, ये तो केव है। ये तो चेयर है। इसमें खजाने जैसा क्या है? बड़ी अजीब बात है, केव के बीच में चेयर का क्या काम? शायद हम लोग ही कुछ मिस कर रहे हैं। क्या हुआ गर्ल? यहाँ साइड में एक हैंडल है। मेरे डैड की कुर्सी में ऐसा हैंडल है, उसे खींचते ही कुर्सी पीछे जाती है, देखो। ओके, अब ये क्या हो रहा है? वाओ, वाओ, अरे ये क्या? वाओ, ये बहुत बढ़िया है। मैं पैसे वाला बन गया। पैसे वाले? ना, ये सिर्फ देखने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं। तू देखती रह। Emeralds, diamonds, सब मेरे हैं। मैं पैसे वाला हूँ। निक, रुक जाओ। हार्वी, ये
ये एक ट्रैप है, भागो वरना यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। लेसी, कम ऑन। लेसी, तुमने बचा लिया। लेट्स गो। छोड़ दो उसे। नहीं, ये मेरा है, दरवाजा खोलो। ऑलमोस्ट हो गया है। निक, छोड़ो उसे। प्लीज छोड़ दो उसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम्हारा कुत्ता पागल है। इसी ने तुम्हारी जान बचाई। कम ऑन गर्ल, घर चलते हैं। सी यू लेटर निक, बाय बाय। मुझे साथ में लेके चलो बच्चों। ये तुम्हें ट्रेजर नजर आता है क्या? ये तो मटर है। कोई हमसे पहले आया होगा, वो ट्रेजर ले गया और कैन में मटर भर दिया होंगे। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। सचमुच? हाँ, चख के तो देख। हाँ, जब भूखे हो तो खाना ही खजाना होता है। मतलब मैं सही था। हैमस्टर हुडिनी, सुपर ट्रेजर हंटर। खाओ फ्रेंड्स, एंजॉय करो। इसका मतलब सच में डैन का खजाना था जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता। तो अब तुम्हें क्या करना है? आई थिंक अच्छा होगा कि डैन मोंटन का ट्रेजर एक कहानी ही बनी रहे। हाँ, शायद उसका एक राज बना रहना ही ठीक होगा। हमारी स्पेशल मेमोरी। वरना ट्रेजर हंटर्स टूट पड़ेंगे पार्क पर। हाँ, डैन ठीक ही कहता था, असली ट्रेजर तो वहीं पर है। और यहाँ पर, राइट लेसी? कहाँ है वो लोग? यंग्स को बच्चे हुए हैं। कितने हैं? 1, 2, 3 बच्चे। ये तो अच्छी खबर है, तुम्हारी मॉम खुश हो जाएंगी। चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। ये कहाँ जा रही है? लैसी, वो हमें कहीं ले जा रही है। ग्रेट, ब्लैकबेरीज। थैंक्स लैसी, तुमने आखिर इसे ढूंढ ही लिया। बहुत यमी है ये। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। साउथ तो उस तरफ है ना? देखो, जब हमने शुरू किया था तब साउथ उस तरफ था, मतलब अब भी वो वही होगा ना? हाँ, हम हिले नहीं तो पर हम हिले हैं। क्या क्या कहा तुमने? हम नहीं हिलते तो हम हिले हैं। तुम लोग किसी एक्सपर्ट से क्यों नहीं पूछ लेते? तुमने सुना क्या? हेलो, हेलो। आप इन दोनों को ये बताने का कष्ट करेंगे कि नॉर्थ किस तरफ है? ये तो बच्चे हैं, इन्हें नॉर्थ नहीं पता होगा। इससे अच्छा कुत्ते को पूछ लो। लासी, नॉर्थ।
चेक करना है, ये रहा कंपस, चाहो तो खुद देख लो नॉर्थ कहाँ है। ये तुम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। मैन रिस्पेक्ट, सॉरी मैंने गलत समझा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हाइकर्स तो नहीं लगते। हम तूफान ढूंढ रहे हैं। दरअसल हमें स्कूल में वेदर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमने सोचा यहाँ कर कुछ रीडिंग्स लेकर जा सकते हैं। हमारे टीचर ने कहा था कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है यहाँ पर। आज ऐसा हो सकता है, मैंने भी सुना था कि आज तूफान आने वाला है, अगर साउथ की ओर से गर्म हवा इस तरफ आती है तो। ड्यूड, ये तो एकदम सही है। दरअसल हम एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं खुली जगह में, जहाँ से हम वेदर में बदलाव देख पाए, हवा के तापमान को मॉनिटर कर पाए और कुछ सीख पाए। चैम्बरलेन बेसिन। सही कहा जोई, वहाँ से आप लोग बहुत कुछ देख सकते हो, आसान हाइक है। मुझे वहाँ बहुत मजा आता है, बहुत सुंदर जगह है। तो चलो ना हमारे साथ। जोई, हमने आंटी से कहा था सर्वे करके वापस आ जाएंगे। हाँ, पर अभी बहुत वक्त है और बस चैम्बरलेन बेसिन तो जाना है। आप भी चाहो तो रीडिंग्स ले सकते हो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। कूल, चलो चलते हैं। आराम से आराम से, सिर्फ यहाँ पे हवा आ रही है। हे हनी, पता है जोई कहाँ है? मैंने उसे लासी और हार्वी के साथ ईगल पीक पर भेजा है। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी रेडियो से खबर मिली है, आज दोपहर में बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ा वाला। वो ज्यादा दूर नहीं होंगे, वो बहुत जल्दी निकल गए थे। ओके, अगर ये बड़ा तूफान है तो मैं रेंजर्स को आगाह कर देता हूँ, बस बच्चों को घर के पास ही रहने के लिए कहना। ओके, मैं समझ गई। मैं जरूरी सामान निकाल कर रखता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हो गया तुम्हें? बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, मैं तो बस उड़ी रही थी और वूश ऊपर ही चली गई और फिर वूश नीचे आकर गिरी। बाहर मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या इसका मतलब? बाहर रखी हुई चीजें उड़ भी सकती हैं, पर हम तो यहाँ सेफ हैं। लबर कहाँ है? तुमने अभी तो कहा ना कि सारी चीजें उड़ भी सकती हैं, वो बाहर भाग गया है। मुझे सैमी को बचाना होगा। देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन जाता है। लगता है हम बूढ़े हो गए हैं। इनका तो कुत्ता भी हमसे तेज भागता है। तुम लोग बातें ही करते रहो। आ, 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 अपनी चप्पल उतार दो, चढ़ने में आसानी होगी। ओके, ट्राई करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? बड़े पत्थरों पर पैर रखना, वो हिलेंगे नहीं। ओ, थैंक्स। तुमने सही कहा था, ये सच में बहुत सुंदर है। आई नो, है ना? ओ, यहाँ कितनी तेज हवा है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। रोजर दैट, मैं बता देता हूँ। क्या बात है? हवामान बहुत तेजी से बदल रहा है। कहाँ पर? ग्रैंडमा नेशनल पार्क में सबसे पहले तूफान की चेतावनी देने को कहा है। तूफान की चेतावनी? इसका मतलब तूफान आने ही वाला है।
कह सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये शहर की तरफ तो नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, सबसे कह देना कि कोई बाहर न जाए और रेडियो सुनते रहना। ओके, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है। वाओ, हार्वी, वो देखो। अरे नहीं, जरा वहां देखो। वाओ, चलो सेट करते हैं। पता है लासी, हम निकल ही रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, मदद के लिए शुक्रिया। नहीं, मेरा मतलब है हम सभी को, मौसम और भी खराब हो सकता है। तो अच्छा है ना। हमें कुछ नहीं होगा जोई, हम बस कुछ रीडिंग्स लेकर नीचे ही आ जाएंगे। ओके। ज्यादा देर मत करना, ठीक है? समझ गई, डोंट वरी, हम बस आ ही रहे हैं। पक्का तुम लोग यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हो? बहुत मजा आएगा। नो थैंक्स, बाद में मिलते हैं। जोई, हार्वी, जोई, मैं यहीं पर हूँ, क्या हुआ? यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है। सब लोगों को कैंप साइट से बाहर निकालकर होटल में शिफ्ट कर दो, विजिटर सेंटर और हमारी ऑफिस में। तुमने इवैक्यूएशन कर लिया? नहीं, हम ये आपके बगैर नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोई, कहाँ हो तुम? ओके, मैं वहीं आ रहा हूं। लासी रुक गई। क्या बात है गर्ल? वाओ, हमें आगे बढ़ते रहना होगा जोई। नहीं, हमें उन लोगों को लेने वापस जाना होगा। लैसी जानती है मौसम खराब होता जा रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पर उन लोगों का क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे? हमें वापस जाना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, चलो। ओके। सैमी को बचाना तो पड़ेगा ही। सैमी, मेरा प्यारा टेस्टी सैंडविच, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं बहुत डर गया था। थैंक यू इसे बचाने के लिए। लासी, आइए। तुम आ गई। तुम लोगों को नीचे जाना होगा, मौसम खराब हो रहा है। पता है। अब चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं आ सकते, नीचे उतरते वक्त माइकल के एंकल में चोट आ गई है। कितना बेवकूफ हूँ ना, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल चल पाओगे। पर इसकी स्पीड से हम नीचे कैसे उतर पाएंगे सोई? यहाँ पर आसपास कोई शेल्टर जैसा नहीं है, कोई पुराना कैबिन या कुछ भी? हाँ, एक ग्राउंड माइन है, वो बस थोड़ी ही दूर है। ओके,
हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, पर हमें आगे बढ़ना होगा। जो तुम्हारी जैकेट से पट्टी बांधनी होगी। मैं वॉकिंग स्टिक लेकर आता हूँ। लाओ वो जैकेट मुझे दे दो। ये हो गया। दोस्तों के लिए कुछ भी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दे लीजिए। हाँ। ग्रहम आ गया है। मैं एक मिनट में आई। मुझे बच्चे नहीं मिले, शायद वो किसी शॉर्टकट से आ रहे होंगे। तुम्हें लगता है वो सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, लासी उनके साथ है। वो लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे या शेल्टर ढूंढ लेंगे। तो अब हम क्या करें? इन लोगों का ख्याल रखते हैं और मौसम ठीक होते ही इन्हें शिफ्ट कर देंगे। और कितनी दूर है शेल्टर? बस पास में है, चलते रहो बस। वहाँ पर टोर्नेडो फॉर्म हो रहा है ना? आहा, हमें बस जल्दी किसी सेफ जगह पर जाना होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। जोई, तुमने कुछ सुना क्या? कोई बात नहीं, ये सिर्फ बारिश है और कुछ भी नहीं। सिर्फ बारिश है? जल्दी इस तरफ, जल्दी चलो। हमें तो नीचे जाना था ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं। अरे ये तो पानी है। ये तो बाढ़ आ गई। काफी डरावना है। क्या ये चला गया? लगता तो है। हमें निकलना चाहिए, वो भी जल्दी। जोई रुको, हम उस तरफ नहीं जा सकते, वहाँ का रास्ता बंद है। अब हम क्या करें? दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। मैं और लैसी ढूंढ लेंगे। ठीक है, पर जल्दी। हाँ बिल्कुल। तुम सबको वो पत्थर दिख रहा है? हम वहाँ चलते हैं, हमें वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो। अब कहाँ जाएगा? अच्छे लैसी। सब लोग चले गए, हमने पूरी कैंप सेट क्लियर कर दी है। गुड। तुमने कभी बवंडा देखा है? कभी नहीं। वेल, यहीं से शुरुआत कर लो फिर। सुबह तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। ये! ओ! 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 अरे नहीं, ये
ये तो बवंडर है ना। वाव, ये तो बहुत कूल है। बैम, मुझे मेरा कैमरा दे दो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें देख नहीं रहा वो हमारी तरफ आ रहा है। पता है, जल्दी दो। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। बात तो सच है, पर अगर हम यहाँ पर रुके तो जिंदगी में कुछ और देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। ओके लासी, चलो अब जल्दी। वहाँ पर नीचे एक जगह है, जल्दी। चलो लासी। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, बस थोड़ी दूर है। जितना हो सके उतना अंदर जाओ। आ रही हूँ। जोई, जल्दी चलो, जल्दी आ जाओ, चलो। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं तो बस अपना कीमती तोहफा बचा रहा था, मेरा प्यारा सैमी। मुझे लगता है कि तुम्हारा सैंडविच तो अब सैंडविच नहीं रहा। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। मैंने उसे, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? सैमी, वापस आ जाओ। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ओ, तो ये सैंडविच था क्या? तुम्हें कैसे पता वो यहीं पर होंगे? क्योंकि जोई की मॉम और मैं जब फंसे थे यहीं पर रुके थे। तुम लोग यहीं बड़े हुए हो ना? वैसे ही जैसे हार्वी और जोई। सुना तुमने? इस तरह। वाह, क्या बात है। हेलो गाइस। डैड, मॉम, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मॉम, आप लोग हमें ढूंढने आए हैं ना? हमने कहीं सुना कि यहाँ पर पार्टी चल रही है। चलो डांस करते हैं। गो मॉम। तुम्हारी डॉग सच
सच में बहुत प्यारी है और फैमिली भी बहुत प्यारी है। हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जेन। पर आज शायद हम लोग ज्यादा खुश नसीब थे।